एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? किर्गिस्तानी घोड़े की सख्त मगर हैरत अंगेज दुनिया में खुशामदीद। इनका मस्कन जायलो कहलाता है। ये किर्गिस्तान की तयानशन पहाड़ियों की ऊंची पहाड़ी चरागाह। दीगर नस्लों के मुकाबले में किर्गिस्तानी घोड़ा मौसम की सख्ती को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ तक कि सर्दी में भी बहुत ज़्यादा घास की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। पैदा होने वाले बच्चे उठते हैं और घोड़ी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और बर्फ़ में खुद से ही चारा चर सकते हैं। इस मकामी किर्गिस्तानी घोड़े को बचाए रखना हमारा मिशन है, जो पूरी तरह एक कुदरती मंजर है। मेरे लिए घोड़ा एक खास मकाम रखता है। ये अपनी मिसाल आप है जिसकी हम सब ख्वाहिश कर सकते हैं और ये इंसान और फितरत के बीच एक गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। मेरे वालिद सारी जिंदगी घोड़ों की परवरिश करते रहे, ज्यादातर तालास फार्म नंबर 113 में काम करते हुए। मैं एक जिन्यात दान हूँ और मैंने खुलिये की सतह पर घोड़ों के क्रोमोसोम का मुताला किया है, ये देखने के लिए कि वो किर्गिस्तानी घोड़े की अनाटोमी और फिजियोलॉजी को किस तरह मुतासिर करते हैं। बोटो ने ये पुराने तरीके बड़े भरोसेमंद जराए से सीखे, अपने वालिद से, जो एक मशहूर सियांची या रिवायती इल्म के हामिल थे। ये एक तर्ज जिंदगी है जिसने किर्गिस्तानी चरवाहों को हजारों साल से फितरत के साथ हम आहंग रहने में मदद दी और ये किर्गिस्तानी घोड़े की मुनफरिद खसूसियात पर मबनी था। किर्गिस्तानी घोड़ा अपनी वफादारी के लिए मशहूर है। ये अपने मालिक को कभी सड़क पर नहीं छोड़ता। जितनी ज्यादा अहमियत हम घोड़े को देते हैं, उतना ही ज्यादा एहतराम हमें अपनी बिरादरी में मिलता है। मैं इस उसूल पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। किर्गिस्तानी घोड़ा बहुत होशियार होता है। ये सिर्फ बोल नहीं सकता, वह इतना हर तौर से बिल्कुल इंसान जैसा है। घोड़ा हर चीज को महसूस कर सकता है। इंसान और इनके घोड़े अब महसूस करने लगे हैं कि इस बुलंद पहाड़ी दुनिया की आबोहवा और माहौल दोनों बदल रहे हैं। अब हम सतह समंदर से 3,500 मीटर ऊपर हैं। ये बहुत खास जगह है हमारे लिए। ये इक्साई की मशहूर चरागाह है, सनकोल झील के बिल्कुल ऊपर। पहले घास घोड़े के सीने तक पहुंच जाती थी, मगर अब कहाँ।
काराक्याक और बेल्जी, ये इन घासों के नाम हैं जो कभी यहाँ उगती थी। गर्मियों में ऊंची चरागाहों की तरफ हिजरत करना किर्गिस्तानी लोगों का वो तरीका था जिससे वो मिट्टी को महफूज रखते थे और इन कीमती घासों को बरकरार। हम अक्साई हिजरत करते हैं ताकि चरागाहों के चरे जाने में तवाजुन कायम रहे। अगर हम सारा मौसम एक ही जगह पर लगे रहें, हम इस मिट्टी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर जाएंगे जो घास के उगने के लिए जरूरी है। ऐसे में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हर कोई पुराने तरीकों पर अमल नहीं कर रहा और जमीन और आने वाली नस्लें इसकी कीमत अदा करेंगी। मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया को इतना काबिल तवक्को नहीं छोड़ा और ज्यादातर चरवाहों की तबाहकुन तरीकों ने इस मसले को मजीद बढ़ा दिया है। तो हम इस तरह की जगहों पर आते हैं और चरवाहों की जिंदगी जीते हैं। अपने घोड़ों, गायों और मेमनों का पेट भरते हुए जितना अच्छा हमसे हो सके पूरे दिल से अपनी जान लगाते हैं। हर किस्म के लोग तरह तरह से बयान करते हैं कि हमने घास का ये बदतरीज खात्मा क्यों देखा। बुनियादी तौर पर इसकी वजह यह है कि हम मवेशियों को चरागाहों में बहुत जल्द ले आते हैं, इससे भी पहले कि घास तैयार हो, जड़ें पक्की हों और उनके बढ़ने में वक्त हो। लोग सुस्त हो रहे हैं और अपनी कुव्वत इरादी खो चुके हैं। जब चरवाहों के जानवर निचली चरागाहों को जरूरत से ज्यादा चढ़ जाते हैं तो माहौलियाती निजाम तवाजुन से हट जाता है, क्योंकि आम तौर पर सेहतमंद मिट्टी जंगलों से भी निस्बतन ज्यादा कार्बन जज्ब करती है। लेकिन बोटो और इसका पूरा खानदान इस अनमोल बुलंद पहाड़ी माहौल को बचाने की जंग में मजबूत इत्तेहादी है। ये छोटी टांगों वाला जमकर चलने वाला किर्गिस्तानी घोड़ा है। ये इतना मजबूत है कि चरागाहों को घुमाने और पहाड़ के ऊपर और नीचे नकलो हरकत करने के रिवायती तरीके को जिंदा रख सकते हैं। चूंकि किर्गिस्तानी घोड़ा बहुत ताकतवर है, यही बोटो की उम्मीद है कि मवेशियों को दूर चरागाहों तक ले जाएगा। लेकिन किर्गिस्तानी घोड़े की खास खसूसियात अफसानवी हैं या साइंस पर मबनी, ये जानने के लिए मेहरबेक ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। नारेन में 58, तालिस में 60 और चोनेलाई इलाकों में 28 घोड़ों से लिए गए डीएनए के नमूनों पर मास्को की एक लैब में मुताला किया गया। तज्जिये ने असल किर्गिस्तानी घोड़े की खसूसियात को जाहिर किया। हमारा प्रोजेक्ट पूरे मुल्क से किर्गिस्तानी घोड़ों की बेहतरीन महफूज मिसालें जमा करेगा और यहाँ स्टडीड फार्म नंबर 113 में दोबारा अफजाइश नस्ल करेंगे। स्याही माइल भूरा रंग किर्गिस्तानी घोड़ों का महज रंग है। गहरा रंग सर्द मौसम में सूरज की किरणों को जज्ब करने का सबब बनता है। मौसम सर्मा में सख्त ठंड पड़ती है। बर्फबारी के साथ घाटी पर जहां धूप पड़ती है वहां मवेशी चरते हैं। वो जगह जहां बर्फ जल्द पिघल जाती है। अजमत ने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी शहरी जिंदगी छोड़ी। उसकी मोहब्बत ये किर्गिस्तानी घोड़ा, मगर इसकी अकीदत का सिला नहीं मिला। बदकिस्मती से हुकूमत की कोई हिमायत नहीं, यहां तक कि मसले की समझ तक नहीं है। हमारे स्टेट फार्म में कुछ किर्गिस्तानी घोड़े हैं,
लेकिन हर साल हम पैसे हार जाते हैं। घोड़ियां बूढ़ी हो रही हैं और नस्ल कम बढ़ रही है। ये मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस नस्ल को बचाने के लिए, अपनी सी कोशिश। ये लोग और इनके अजीज किर्गिस्तानी घोड़े किसी पुरसाने हाल से महरूम अपनी मदद आप जीते दिखाई देते हैं, लेकिन इलाके में मुकामी लोगों का एक इश्तराक जो गोल्डन हूफ के नाम से जाना जाता है, अनकरीब घोड़ों की एक तजर्बाती तादाद को बहाल करने के लिए आजमाइशी ब्रीडिंग फार्म शुरू करने वाला है। तो क्या किर्गिस्तानी घोड़ा दोबारा अपने अफसानवी परों से लोगों को वस्ती एशिया की बुलंदतरीन पहाड़ों पर उड़ने में मदद देगा? और क्या ज़मीरबेग जैसे लोग इस कौमी खजाने को बचाने में कामयाब होंगे? नौजवान घोड़ियों को नस्ल बढ़ाने के काबिल रखना बहुत जरूरी है। मैंने 20 साल से ज्यादा का अरसा स्टेट फार्म में घोड़ियों को तैयार किया है। अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ और बस अब खुदा खुदा कर रहा हूँ। मेरे वालिद चोरोबे ने किर्गिस्तानी घोड़े की एक नई नस्ल तैयार की, बशमूल अजीम घोड़े गैतून के, जिसने ऑल USSR रेस जीती। मरलान ने हमें दिखाया कि इन लतीफ फिजाओं में अब भी फाते पैदा होते हैं। इस घोड़े ने वर्ल्ड नोमैड गेम्स में इसेकल लेक की 80 किलोमीटर की दौड़ में तीसरी पोजीशन हासिल की। छोटी सी कमर, मोटी गर्दन और चौड़ी छाती के साथ जमकर चलने वाली। अब इसके बच्चों पर एक नजर डालें, ये इतनी आसानी से कमजोर नहीं पड़ते, ये बहुत मजबूत हैं। वो उस तरफ, वो घोड़ा एक किर्गिस्तानी घोड़ा है और वो बच्चे भी, ये खालिस नस्ल के किर्गिस्तानी घोड़े हैं। वो बगैर कोई नाल पहने हिफाजत के साथ पथरीले इलाकों को उबूर कर सकते हैं। गैर मुकामी नस्लों के घोड़ों की तरह वो भी सख्त पहाड़ी इलाकों में ठोकर नहीं खाते। वजन गिराए बगैर सर्दी को आसानी से बर्दाश्त करते हुए वो मुकामी हालात के मुताबिक ढल चुके हैं। अक्सर टालंडी ब्लॉक की घाटी के ऊपरी हिस्सों में बहुत ठंड होती है, जो दूसरी ऊंची पहाड़ी चरागाहों की गुजरगाह है। मेडोलैंड की नबातात बहुत खास हैं। यहाँ मवेशी पेट भरकर खाना खाते हैं। तमाम मौसम सरमा में इनका वजन बढ़ता रहता है। घास छोटी है मगर गिजाइयत से भरपूर है, तो घोड़े जोर और जान पकड़ लेते हैं। आधे चांद की रात है। बोटो और तमाम चरवाहे जिन्होंने मवेशियों के साथ काम किया, कल गर्मियों की ऊंची चरागाहों से उतरने से पहले मिलकर आखिरी खाना खा रहे हैं। बोटो के लिए ये एक ऐसा मौका है कि वो एक बार फिर दोस्तों की महफिल लगाए और नस्लों से इस खानदान ने इस जमीन की देखभाल करने में जो सीखा है, इससे अपने दोस्तों को भी कुछ सबक दे। क्या अपने भाइयों के लौटने पर खुश हो? आओ बैठो। तुम कहां से आ रहे हो? क्या मेरे मवेशियों को नीचे ले जा रहे हो? ओह, तुम तो जम रहे हो बेचारा। करमान बेग अभी तक नहीं आया?
अभी तक नहीं। तुम अपनी जैकेट क्यों नहीं उतारते? तुम कब आए? मैं आज सुबह पहुंचा। पहले हम ऊँटों के जरिए हिजरत करके चरागाह बदलते थे, गर्मियों के एक ही मौसम में 10-10 बार, ताकि चरागाहों का सफाया भी ना हो और मवेशी चर्बी भी चढ़ा लें। लेकिन बारहमासी घास की ताकत में अजीब कमी आई है। वो उगती है मगर पहले जैसी गजाइयत के बगैर, और लोगों ने मवेशियों को लेकर चरागाहों से चरागाहों तक घूमना छोड़ दिया। हम चरवाहों के मसाइल उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन कम ही लोग कान धरते हैं इस तरफ। कई मवेशी पालने वाले सोनकोल झील के सामने से 4 महीनों तक नहीं हटते। वो चरागाहें बदलने की दर्द सिरी पालते ही नहीं और उन्हें अपनी तबाहकारियों का कोई अंदाजा नहीं है। दूर बहुत सी चरागाहें हैं जो पुराने दिनों में बहुत इस्तेमाल की गई। लोग शिकायत करते हैं कि इतनी ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। लेकिन हमें अपने करगेजिस्तानी घोड़े नहीं भूलना चाहिए और उसकी भारी बोझ उठाकर पहाड़ पर चढ़ने की सलाहियत को भी नहीं। साल 2020 का आज इस चरागाह में हमारा आखिरी दिन है। कल हम नीचे गांव में चले जाएंगे और सर्दियां गुजारने के लिए। यह एक मुश्किल साल रहा है। खुदा और हमारे आबा अजदाद की अरवाह हमारी वापसी को बाबरकत बनाए। रास्ता आसान और महफूज है, हम वादी में अपने लोगों से दोबारा मिल जाएं। बुलंद पहाड़ी चरागाह में सुबह हो चुकी है और गांव के लिए गहराई की तरफ सफर शुरू होने वाला है। मराद, गधे पर सवार हो जाओ और छोटे मेमने को अपने साथ ले जाओ। ऊंटों पर सामान लादने का वक्त आ गया है जो सबसे ज्यादा बोझ उठाएंगे। क्या मैं ऊंट का मुंह बांध लूं? तुम्हें पहले पहुंचकर रेवड़ का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, पानी के चश्मे कांडी के करीब। हाँ, वहीं। अरे उमर, ये कालीन बहुत छोटा है, ये साइज बेहतर रहेगा। इस आखिरी कैंप साइट पर सरगर्मी का शोर है, यहाँ तक कि बोटों की नन्ही बेटियां मदद करने की कोशिश में लगी हैं। चाय पीने का वक्त है। शुक्रिया, मैं पी चुका हूँ। अच्छा, फिर आगे बढ़ो, मैं बाद में आऊंगा। अरे, क्या गाय पीछे रह गई है? गालिबन दूसरी गाय भी यहाँ नहीं है। फिर वापस जाओ और उन्हें पकड़ो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। निकल पड़ते हैं जब वो भेड़ और बकरियों को बाहर छोड़ देते हैं। जल्द ही जानवरों की एक शानदार परेड शुरू हो जाती है। सीधी ढलानों और खतरनाक हिस्सों में बोझ से लदे ऊंटों को चलाते हैं माहिर तरीन सवार,
वो खैमे और घर के इस्तेमाल का सामान ले जा रहे हैं जो खाना बदोश तर्ज जिंदगी के लिए जरूरी है। और ऊंटों के पीछे ही बोटों के काबिले एतमा दो रंगे घोड़े की पुश्त पर सवार हैं सबसे अनमोल सवार, उसकी बीवी और दो नन्ही बेटियां। जब आप बैल से गिरते हैं तो उसके सींगों पर गिरते हैं, लेकिन जब आप घोड़े से गिरते हैं तो घोड़ा अपनी गर्दन के बाल पेश कर देता है। पर सवार बोटो संभल कर चलते भारी भरकम ऊंटों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से नीचे ले जाता है। एक पिसलन हुई और पूरा काफला लड़खड़ाता हुआ नीचे आ सकता है। लेकिन कर्गिस्तानी खानाबदोश पहले और भी बहुत ज्यादा खतरात का सामना कर चुके हैं और इन्हें हमेशा कर्गिस्तानी घोड़े की शक्ल में एक इत्तेहादी मिल गया, खास तौर पर अरुकोन और खरोश के दौरान जब एक सदी कबल बहुत से लोग चीन फरार हो गए थे। कर्गिस्तानी तारीख दानों के मुताबिक ये जारे रूस के कत्लेआम मचाने के बाद हुआ जब कर्गीज लोगों ने शाही फौज में जबरी शमूलियत के खिलाफ बगावत की। कर्गिस्तानियों ने दिन देखे हैं गम से भरे और अफसोसनाक सबक के लिए। बड़े अरकन के दौरान 1916 में निर्फ कर्गिस्तानी लोग चीन भागने पर मजबूर हुए। अपने बच्चों को बचाने के लिए कई माँ बाप ने अपने काबिल एतमाद घोड़ों की जीन पर थैले बांधे और उनमें अपने बच्चे रख दिए। घोड़ों ने उनके बच्चों को बचाया और दो तीन दिनों तक किसी रहनुमाई के बगैर सफ़र करके इस अनमोल सामान को पहाड़ों पर महफूज मकाम तक पहुंचा दिया। शुक्र है कि आज का सफर अच्छी तरह खत्म हुआ और हर कोई हिफाजत से पहाड़ से नीचे उतर आया। खुदा का शुक्र है कि हम बगैर किसी हादसे के उतर आए। रास्ता खड़ा और खतरनाक था। बाज़ औक़ात मवेशी नीचे गिरकर मर जाते हैं, लेकिन इस बार कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे घोड़ों और ऊंटों की बर्दाश्त की वजह से हम पहाड़ से नीचे उतर पाए। खुदा का और हमारे आबा अजदाद की अरवाह का शुक्रिया। तुमने देखा उसकी आंख सुर्ख हो रही है। यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, ये ले, ये ले। बिलाखिर वक्त आ गया है कि खुदा की सारी मखलूकात आराम करें और इस सोहबत की आखिरी लम्हात से लुत्फ उठाएं और इस इत्मीनान से कि एक काम बेहतर तरीके से हो गया। हम बाहिफाजत उतर आए हैं और हमारा सफर भी जारी है। हम आगे बढ़ते हुए खुदा का शुक्र अदा करते हैं।
घर की जानिब सफर के आखिरी दौर में चाहे घोड़े पर हो या बोटों की गाड़ी या ट्रक में, हर कोई खामोशी से सोच रहा है कि चरागाहें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि किर्गिस्तान के घास के मैदानों के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना पुराने तर्ज जिंदगी का, ना ही किर्गिस्तानी घोड़े का। लेकिन किर्गिस्तानी घोड़ों की तादाद में इजाफा करना मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा। और गैर मुल्की घोड़ों की दरामद ने सिर्फ हमारी मकामी नस्ल को खराब किया है। असल किर्गिज घोड़े को बचाना एक अहम मकसद है, और एक ऐसे मुल्क में जहां बहुत से बच्चे चलने से पहले घुड़सवारी सीखते हैं। अगर हम अपने घोड़े की नस्ल को महफूज करने का बंदोबस्त नहीं कर पाते तो हमारे अपने बच्चे हमसे पूछेंगे कि क्यों, हम क्यों न कर पाए। कौन है जो 10 से 20 हजार डॉलर का दरामद शुदा घोड़ा खरीदने की सकत रखता हो। क्या हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल सिर्फ बाहर से आई हुई खूबसूरती से मोहब्बत करे। अपने बच्चों की खातिर हमें अपने घोड़े को बचाना है और उसके साथ हमारे अपने विरसे को भी। किर्गिस्तानी घोड़ा एक पुराना दोस्त, एक काबिले एतमाद इत्तेहादी और एक मेहनती कारकुन है, जो किर्गिस्तान के कीमती बुलंद पहाड़ी माहौल को महफूज रखने के लिए जरूरी है। और जैसे कि घोड़े पालने वाले पुराने लोग जानते हैं कि परों वाले घोड़े का मिट जाना ऐसा है कि जैसे हमारी औलादों की औलादों के पर कट जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वक्फे से पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दस्तावेजी फिल्म देख रहे थे जो कि किर्गिस्तान के घोड़े से मुतालिक थी। तो किर्गिस्तान के इस घोड़े के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री है, इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें जमीलिया जैनबवा और इसके अलावा ऐबिक हैं हमारे साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किर्गिस पे उन्होंने किर्गिस का जो स्पेशली घोड़े है इस पर बड़ी रिसर्च किया, और क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है किर्गिस्तान पर, इस पर उनका काम बहुत ही ज़बरदस्त था, तहकीकी था, जिस तरह कि आपने देखा है। जमीलिया, सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो आपसे, आप एक बेसिकली आप क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, माहौलियात के हवाले से आपका बहुत ही वसी और ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा है। जब भी मैं किर्गिस्तान को सोचता हूँ या विजुलाइज करता हूँ तो मेरे जहन में मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की लैंडस्केप आती है, बर्फ़ानी पहाड़ आते हैं, किर्गिज़ लोग आते हैं बहुत खूबसूरत, और फिर उनके घोड़े आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जब भी मैं सोचता हूँ किर्गिस्तान के बारे में, ये शायद दुनिया का कोई फ़र्द सोचता है कि किर्गिस्तान के बारे में, तो घोड़े के बगैर वो किर्गिस्तान को तस्वुर भी नहीं ला सकता। 4000 सालों से जो कि एक कामयाबी के साथ एक ब्रीड थी, और वो एक घोड़ा जो है वो तसलसल के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा कर रहा था किर्गिज लोगों की ज़िंदगी में, कि अचानक क्या हुआ है कि अचानक इस तरह के थ्रेट्स जो हैं किर्गिज घोड़े के भी और ओवरऑल जो जो मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में किर्गिज लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे लोग भी हाई लैंड्स पर जाते हैं, पामीर की बुलंदियों पर जाते हैं, तो ये डायरेक्टली लिंक करता है पाकिस्तान के साथ भी ये मामला। तो ये वजूहात क्या हैं, इस थ्रेट की वजूहात क्या हैं? Yes, good day everyone. I'm glad to be here. Thank you very much for inviting us over. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस दस्तावेजी फिल्म पर बात करने के लिए मदऊ किया। ये फिल्म किर्गिज घोड़े से मुतासर होकर बनाई गई है। ये एक ऐसा जानवर है जो हजारों सालों से किर्गिज खाना बदोशों के साथ रहा है, और हमारी सकाफत और हमारी तारीख किर्गिज घोड़े से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ 150 साल से ये हुआ कि किर्गिज घोड़ा गायब होना शुरू हो गया, क्योंकि उसे दूसरी नस्ल के घोड़ों के साथ पाला जाने लगा,
जो कि कई मुल्कों से इम्पोर्ट किए जाते थे। इसका मकसद ये था कि घोड़े को बड़ा और मजबूत बनाया जा सके ताकि उसे नीचे की ज़मीनों में इस्तेमाल किया जा सके। सोवियत यूनियन के ज़माने में किर्गिज़ घोड़ा मादूमियत के ख़तरे से दोचार था क्योंकि ये ज़रात के लिए कोई ख़ास कारामत नहीं समझा जा रहा था। आजकल हमें मौसमियाती तब्दीली का सामना है और इस मौसमियाती तब्दीली से खुराक का बहरान पैदा होगा, कुदरती आफात का बहरान जन्म लेगा और नकल मकानी का बहरान पैदा होगा। ये सब मिलकर कई सारे लोगों के लिए एक माशर्ती बहरान का सबब बनेगा जो कि उन इलाकों में रहते हैं जो कि मौसमियाती तब्दीली के एतबार से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। किर्गिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो कि बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर है। इसलिए इस वक्त किर्गिज घोड़े और किर्गिस्तानी लोगों के लिए एक जैसे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो मादूमियत का है, यानी कि अगर आज हम किर्गिज घोड़े को सही से नहीं पालेंगे तो वो मादूमियत के ख़तरे से दोचार हो सकता है और फिर किर्गिज लोगों को भी इस मादूमियत के ख़तरे का सामना करना पड़ेगा। इन हालात में सबसे अहम ये है कि अगर हम किर्गिज घोड़े को बचाएंगे तो वो भी किर्गिस्तान की सकाफत और तारीख को महफूज रखने में किर्गिस्तान के लोगों के लिए मददगार साबित होगा। आज किर्गिज घोड़े को अपनी बका के लिए इंसानी मेलजोल और मदद की ज़रूरत है और एक दिन मौसमियाती बहरान से जूझती इंसानियत की बका में किर्गिज घोड़ा भी मददगार साबित होगा। अबिक, आपकी किर्गिज के घोड़े के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च भी है, आप बहुत कुछ जानते भी हैं किर्गिज के जो घोड़ा है, स्पेशली ये जो स्पेशल ब्रीड है, इसी हवाले से मेरा सवाल है कि इसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हमने देखा कि एक डीएनए सैंपल जो कि मॉस्को में लेके जाया गया और उसके बाद जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि जो किर्गिज घोड़े की ये वाली मखसूस नस्ल है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किर्गिज का ये जो घोड़ा है, किर्गिज घोड़ा जिसको हम कहें, तो ये किस कदर मुख्तलिफ है, किस कदर डिस्टिंक्टिव है, किस कदर डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द ब्रीड या जितने भी हॉर्सेज हैं दुनिया में बाकी घोड़ों से, किर्गिज का घोड़ा कैसे मुख्तलिफ है? मुझे दावत देने के लिए शुक्रिया। किर्गिज घोड़े ने बेहतरीन तौर से मुकामी आबो हवा और मुकामी माहौल को अपनाया हुआ है। वस्ती एशिया के पूरे खित्ते, खास तौर पर वस्ती एशिया के पहाड़ी इलाके इसके लिए मौजू है। वस्ती एशिया दर हकीकत किर्गिज घोड़े की जिस्मानी साख, आजा के अफआल ऊंचाई पर रहने के लिए बिल्कुल मौजू है, जिसकी बिना पर किर्गिज घोड़ा सतह समंदर से 3 से 4 हज़ार मीटर की बुलंदी पर रह सकता है और इसकी जिस्मानी साख्त इसे बहुत अच्छी तरह से रहने में मदद देती है। ये ऊंची चरागाहों में रहते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं और वहाँ पर चरागाहों पर इन्हिसार करने वालों को तकवियत फराहम करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हमें दी और यकीनन ये मालूमात आप ही दे सकते थे। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से किर्गिस्तान में आप रहे और जितना आपने क्लोजली उसको देखा, उसका सारा क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे लोगों को मिले, ये इन्फॉर्मेशन आप ही दे सकते थे और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बुनियादी तौर पर एक इंतबाह है हमारे लिए, हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया। इंद्रिया हैं इस वक्त हमारे साथ। इंद्रिया जो हैं ये किर्गिस्तान के घोड़े के हवाले से और इसको बचाने के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, ये एक्चुअली माहिर हैं। इंद्रिया, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे मेरा सवाल ये है कि हमने किर्गिस्तान के घोड़े के हवाले से इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा है कि एक तो ये बहुत ही रेयर है और एक ये बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। अगर ये जो एक पेस है, डेफिनेटली क्योंकि आप इसकी माहिर हैं तो आप जानती होंगी कि एक ख़ास पेस है इसकी, इसकी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसी पेस के साथ ये जो घोड़ा है ये मुतासर हो रहा है, इस करंट पेस को देखा जाए तो आप क्या समझती हैं कि इसके जो लैंडस्केप पे क्या असरात होंगे, वहाँ पे जो किर्गिस्तान में लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियों पे क्या असरात होंगे और अगर उनको माइग्रेट करके कहीं जाना पड़ता है तो ये तमाम जो मंजरनामा है ये तो काफ़ी परेशान कुन है, क्या क्या कहती हैं आप इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम किर्गिस्तान। और मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। जी हाँ, दर हकीकत किर्गिस्तान के देही इलाकों में बहुत से लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार लाइफ स्टॉक की अफजाइश पर है और यकीनन इस मरहले पर भी मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि मौजूदा दौर में भी हम सब के लिए एक बड़ी तशवीश है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली वाकई लाइफ स्टॉक की अफजाइश और हमारे मुल्क की ज़रखेज़ी की शक्ल को मुतासर कर सकती है। मौसमियाती तब्दीली सबसे ज़्यादा चरागाहों के वसाइल पर असरअंदाज होती है और चरागाहें लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की कामयाबी का सबसे बड़ा अंसर है। देही इलाकों में हमारे लोगों की ज़िंदगियों पर लाइफ स्टॉक की अफजाइश में मौसमियाती तब्दीली का एक और ज़्यादा
बिलवास्ता और ज्यादा पेचीदा असर ये भी है कि मौसमियाती तब्दीली ज़राअत के शोबों के दरमियान तवाज़ुन को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है। मिसाल के तौर पर हम लाइव स्टॉक ब्रीडिंग में फसलों की पैदावार के दरमियान तवाज़ुन के बारे में बात कर रहे हैं। फसलों की पैदावार जो कर्गिस्तान की ज़राअत का 48% है, ज़्यादा दर्ज हरारत से बहुत ज़्यादा खुश्क साली, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की वजह से खुश्क साली और फसल की पैदावार में कमी मकामी आबादी की लाइव स्टॉक की अफजाइश में दिलचस्पी बढ़ा सकती है। और यकीनन लाइव स्टॉक की अफजाइश पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की वजह से मुल्क में लाइव स्टॉक की मजमूई तादाद में इजाफा हो सकता है और इसके नतीजे में चरागाहों का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है और यकीनन ये अच्छी बात भी नहीं है। मैं अपने काबिले कदर मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जिस तरीके से ज़मीन मुतासर हो रही है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, और सिर्फ ज़मीन मुतासर नहीं होगी बल्कि ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, इसके अलावा एनिमल्स, उसके अलावा जितनी भी लाइफ है वो मुतासर होगी, तो इस तमाम पेस को हमने रोकना है, इकदाम करने हैं। तो इन मौकिकीन ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब हमने करना है। बाम अर्ज़ की जो बाज़ गश्त है ये बहुत ही एक खूबसूरत सिलसिला है। इस सिलसिले की जो अगली कड़ी है वो बुनियादी तौर पर इस बात का मुताला है, इस बात की तहकीक है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और स्पेशली वादी गिजर के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, मौसमियाती तगैरात की वजह से जो नफसियाती अमराज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जब मड फ्लड आता है तो आपकी ज़रूरी ज़मीन को ले जाता है, आपको माइग्रेट होना पड़ता है। ये तमाम इंसानी अलमिये जो हैं ये हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और उनके पीछे मौसमी तगैरात हैं, मौसमी तब्दीलियाँ हैं। बाम अर्ज़ की बाज़ गश्त के हवाले से जो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री, उसका मौजू पाकिस्तान है, पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है, और मुझे शिद्दत से इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार कीजिए।